बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दिल्ली पहुंच चुके हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात हुई है, लाल कृष्ण आडवाणी से शुभकामनाएं दी है जन्मदिन की। आज लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन भी है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मुलाकात की है लाल कृष्ण आडवाणी से। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की, जन्मदिन की बधाई दी। लाल कृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर ही मुलाकात हुई है, दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात की है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। दिल्ली पहुंचे हैं, बीजेपी के आला नेताओं के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात दिल्ली में लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर की है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। विनोद लांबा हमारे साथ, हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। विनोद, लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने? अरे निश्चित तौर पर, जिस तरह से दिल्ली पहुंचे थे, हमने आपको जानकारी दे रहे थे कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करनी है। हालांकि जो सरकार का फॉर्मेशन होता है या मंत्रिमंडल को लेकर, वो मुलाकातें तो नहीं हो पाई, लेकिन एक राजनीतिक मुलाकात के साथ साथ एक विषय माफ कीजिएगा, एक विषय बड़ा खास था, क्योंकि आज पूर्व डिप्टी सीएम डिप्टी पीएम आडवाणी का आज जन्मदिन था, 52वां जन्मदिन था। तो उनके लिए शीर्ष नेता है और बड़े सम्मान के हिसाब से बीजेपी में देखा जाता है, तो उनसे मुलाकात करने, उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं। और इन मुलाकातों का जो सिलसिला है, पिछले तीन दिनों से आपने देखा होगा कि लगातार चल रहा है, और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूर्व डिप्टी पीएम आडवाणी से मुलाकात करने, उनके जन्मदिन के उपलक्ष में उनको शुभकामनाएं देने और उनसे आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात के बाद अब आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का? देखिए, अभी तक तो जो जानकारी है, अब मुलाकात अमित शाह के साथ होती नजर आ नहीं रही, कम से कम आज साफ तौर पर कहा जा सकता है। और जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है, साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि अमित शाह के साथ आज मुलाकात होनी संभव नहीं है। जिस तरह से महाराष्ट्र के घटनाक्रम रहे हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं बनी हुई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो ये कहा जा सकता है कि दिल्ली लौटने के बाद आज तमाम पानीपत में, गन्नौर में और तमाम जो करनाल में कार्यक्रम थे मुख्यमंत्री के, उसके बाद आज की मुलाकातों का जिक्र करें तो इस लिस्ट में सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के शीर्ष नेता है, बहुत सीनियर लीडर है, और कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात के बाद आज का जो प्रोग्राम है और आज का जो कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ऑफिस से भी आते हैं, उसमें कहीं और किसी मुलाकात का अब तक हमें कोई जिक्र नहीं है। तो ये कहना होगा कि अभी कल तक इंतजार करना होगा मंत्रिमंडल को लेकर और अमित शाह के साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद।